हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो फॉर क्लास टेंथ चैप्टर सेकंड एसिड बेसिस एंड साल्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री। टुडेज टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर क्लोराइड ऑफ लाइम। आज इसके बारे में जानेंगे। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? CaOCl2, यानी Cl से क्लोराइड और लाइम बोलते हैं CaO को। केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्शियम ऑक्सी, Ca से कैल्शियम, O आया है तो ऑक्सी, Cl2 आया है तो क्लोराइड, या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कलर कैसा कलर होता है? येलोइस वाइट, येलो वाइट कलर का। ब्लीचिंग मीन क्या होता है? ब्लीचिंग का मीनिंग होता है रंग उड़ाना और कोई नया रंग चढ़ाने के लिए उसको वाइट कर देना। ब्लीच रंग से संबंधित है, ये ब्लीच कलर को उड़ाएगा। ये मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, क्या क्या चीज चाहिए इसको बनाने के लिए? एक तो चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी चीज चाहिए क्लोरीन गैस। तो कैसे बनाएंगे? इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ CaOH2 एंड Cl2। इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ CaOH2 एंड Cl2। CaOH2 आइस की क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है CaOCl2+H2O। जो CaOCl2 है यही ब्लीचिंग पाउडर है। अब है यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, क्या क्या यूज है? CaOCl2 लिखकर हम इसके यूज लिखते हैं। फर्स्ट है फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइंस या वुड। ब्लीचिंग कॉटन का रंग उड़ाने में या रंग चढ़ाने में, लकड़ी का रंग आदि। फॉर सेटलाइजेशन ऑफ वाटर, पानी को शुद्ध बनाने में, जीवाणु रहित करने में। इन मेकिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को बनाने में। इन लैब्स के अंदर यूज करते हैं इसको। ब्लीचिंग ऑफ क्लोथिस, कपड़ों की ब्लीचिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या किया जाएगा? क्लोथिस आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू रिमूव डर्ट। सबसे पहले कपड़े को धोया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि ताकि उसकी क्या साफ हो जाए, जो भी उसके ऊपर गंदगी लगी हुई है सारी की सारी गंदगी क्या हो जाए, साफ हो जाए। अब क्या है? देन क्लोथिस आर डीप इनटू ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कपड़े की धुलाई की ताकि उसकी गंदगी निकल जाए। अब क्या किया? अब कपड़े को ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या कर दिया है? डुबो दिया है। थर्ड,
देन डीप क्लोथिज इंटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ब्लीचिंग पाउडर से डुबोकर कपड़े को निकालकर तुरंत अलग बर्तन के अंदर रखे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डुबोया जाता है। सबसे पहले NaOH के साथ साफ किया, फिर कपड़े के वो ब्लीचिंग पाउडर में डुबोया ताकि उसका रंग निकल जाए, फिर तभी उस सॉल्यूशन से निकालकर HCl के अंदर डाला। अब क्या होगा, एसिड रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर, एसिड ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करेगा टू गिव क्लोरीन गैस, और कौन सी गैस देगा, क्लोरीन गैस, यानी एसिड और ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन से क्लोरीन गैस निकलेगी। दिस क्लोरीन गैस ब्लीच द क्लोथिज, यही क्लोरीन गैस कपड़ों की ब्लीचिंग करती है, यानी उनका रंग निकालती है, रंग उड़ा देती है, व्हाइट कर देती है कपड़े को। टू रिमूव अनरिएक्टेड क्लोरीन, अब कपड़े के ऊपर कुछ अनरिएक्टेड क्लोरीन गैस बची रह जाएगी, उस क्लोरीन गैस को दूर करना जरूरी है ताकि हम अगर हम दोबारा रंग चढ़ाएं कपड़े के ऊपर तो वो रंग आ जाए। डीप क्लोथ इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, अब कपड़े को सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर गिराते हैं या डुबोते हैं। Na2 Na2SO3 ये सोडियम थायोसल्फेट है, ये क्लोरीन गैस जो एक्सेस में क्लोरीन गैस बच गई है कपड़े के ऊपर उसके साथ रिएक्शन करेगा। वहां पर क्या देगा, Na2SO4+HCl+S, यानी जो एक्सेस में क्लोरीन गैस थी वो इनके साथ जुड़ जाएगी और HCl पैदा हो जाए। इसी HCl को दोबारा से कपड़े को साफ करने में, अगले कपड़े को साफ करने में यूज किया जा सकता है, जो नेक्स्ट क्लोथ को ब्लीच करना है उस कपड़े को, मतलब कि उस कपड़े के लिए यूज किया जा सकता है। जो ये सोडियम थायोसल्फेट है इसको एंटी क्लोर भी बोला जाता है। एंटी क्लोर क्या होता है, इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच रिमूव, जो हटा देता है अनरिएक्टेड, बिना रिएक्ट की हुई यानी उसके ऊपर चिपकी हुई क्लोरीन, क्लोरीन को इसको एंटी क्लोर बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट को। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं टॉपिक को, ब्लीचिंग पाउडर ये केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम कलर कैसे तैयार किया जाता है, फिर मैंने ये डिस्कस किया है उसको तैयार करने की रिएक्शन, फिर ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, इन यूजेस को डिस्कस किया है, उसके बाद ब्लीच कैसे करते हैं। सबसे पहले कपड़े को सोडियम हाइड्रोक्साइड में धोया जाता है, डर्ट निकाली जाती है, फिर ब्लीचिंग पाउडर में डुबोया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में डुबोकर तुरंत निकालते हैं और फिर उसको HCl के अंदर डुबो दिया जाता है कपड़े को। फिर क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस पैदा हो जाएगी, क्लोरीन गैस से कपड़े का रंग निकल जाएगा। अब उस कपड़े को जो भी कलर देना है वो दे सकते हैं, अगर उसके ऊपर एक्सेस में क्लोरीन है उसको उतारना पड़ेगा, तो सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्शन करवाओ ताकि उस कपड़े की क्लोरीन गैस निकल जाए। एंटी क्लोर बोलते हैं, एंटी क्लोर क्यों बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को एंटी क्लोर बोलते हैं जो रिमूव करता है किसको, क्लोरीन को।